शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शिमला की विवादित संजौली मस्जिद पर बड़ी खबर है। संजौली मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों के बाद कार्यवाही कर रही है। मस्जिद कमेटी ने ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। तो पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण जो किया गया था उसको लेकर के हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। वो जो प्रदर्शन फिर खत्म हुआ और पुलिस को इस संगठन में अपना ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद पुलिस ने 3 मामले इस पर दर्ज किए थे। मस्जिद कमेटी ने निगम आयुक्त को इस मामले पर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। नगर निगम की तरफ से मस्जिद कमेटी ने ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें, शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिमला के संजौली से विवादित संजौली मस्जिद पर बड़ी खबर है। संजौली मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी पर विवाद था लगातार। जो हिंदू संगठन है वो प्रदर्शन भी कर रहे थे कि इस अवैध निर्माण को गिराया जाए। नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों के बाद अब कार्यवाही करने को पहुंची है। मस्जिद कमेटी ने ध्वस्तीकरण का जो काम है वो शुरू कर दिया है। संजौली मस्जिद के ऊपरी हिस्से का ये पूरा मामला है। अवैध निर्माण किया गया था आपको बताते चलें, और साथ ही ये सितंबर महीने का ये पूरा मामला है जब हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही थी और इस पर पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। 3 केस दर्ज किए गए और अब मस्जिद कमेटी ने उसी वक्त आयुक्त को पूरे मामले का ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन जो कार्यवाही है वो देखिए अभी किया जा रहा है। और ऐसे में इस विवादित संजौली मस्जिद पर उसका जो ऊपरी हिस्सा था उसको गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेशों के बाद ये पूरी कार्यवाही कर रही है। मस्जिद कमेटी ने ध्वस्तीकरण का जो काम है वो शुरू कर दिया है। शिमला के संजौली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है वहां पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई थी। ये पूरा मामला क्या है थोड़ा समझते हैं। 5 मंजिला मस्जिद पर पुरानी छोटी मस्जिद पर ऊपर की तरफ एक छोटी सी इमारत बनाई गई थी पुरानी छोटी मस्जिद, और उसी को लेकर के पूरा विवाद था। मंजिला काफी बड़ा था, हिंदू संगठन कह रहा था कि अवैध निर्माण है। हमारे साथ इसी खबर पर अंकुश डोभाल जुड़ गए हैं। ताबड़तोड़ कार्यवाही, पहले तो जो हिंदू संगठन है वो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि भाई ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण है, इसको गिराइए। उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और आज नगर निगम पहुंच गई है। हमारे साथ इसी खबर पर पराक्रम राठौर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जरा अपडेट दीजिएगा पराक्रम जी, पहले तो इस पूरे मामले पर अचानक से आज नगर निगम आयुक्त पहुंच चुका है। इससे पहले हिंदू संगठन ने इस पूरे मामले को लेकर के विरोध जताया था। देखिए, जिस तरह से 5 मंजिला अवैध मस्जिद है और इसको तोड़ने के जो है MC कोर्ट ने आदेश दिए थे, और जो मस्जिद कमेटी है संजौली मस्जिद कमेटी को ये आदेश जारी किए हैं, और उसी पर अमल करते हुए संजौली मस्जिद कमेटी ने जो है अभी इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया है। आपको आवाज आ रही होगी, जो भी छत से जो है ये मस्जिद अभी गिराई जा रही है, जो छत की टीन है उसको निकाला जा रहा है, और इसको निकालने में अभी वक्त लग सकता है। जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष है मोहम्मद लतीफ, उन्होंने कहा है कि काम बहुत बड़ा है और लेबर ज्यादा यहाँ लगाई नहीं जा सकती, और यहाँ पर बलडोजर भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि काफी घनी रिहाइश है, ऐसे में जो है हाथों से काम करना पड़ेगा। तो 2 महीने से ज्यादा वक्त इस मस्जिद को जो अवैध 3 मंजिले हैं उसको गिराने में लग सकता है। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि काम शुरू हो गया है, लेबर आ चुकी है, और ऊपरी जो छत है उसको निकालने का काम शुरू हो गया है, शुरू हो चुका है। मस्जिद की तरफ से ही जो लोग हैं वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। जो अवैध निर्माण किया गया था फिलहाल उसे ध्वस्त किया जा रहा है।